सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के रवैये पर आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने आपत्ति जताई है कि यह गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य पर नहीं। ऐसी जानकारी हमें पहले नहीं थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो कभी मिलने नहीं जाते हमारी पार्टी के लोग और ना ही हम कभी सूची देते कांग्रेस के लोगों को। गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश के केंद्र के लिए होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि मणिपुर में कुछ ऐसे तत्व हैं जो शांति बहाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आम तौर पर लगभग 90% शांति आ गई है और मुझे लगता है कि जनता के समर्थन से जल्द ही शांति बहाल हो जाएगी। बीरेन ने उन मांगों पर भी प्रतिक्रिया दी जिनमें मांग की गई है कि सरकार को विस्थापित लोगों के लिए सरकार योजनाओं के माध्यम से नई आजीविका शुरू करने की व्यवस्था करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार टूटे हुए पक्के घरों के लिए 10 लाख रुपए और टूटे हुए कच्चे घरों के लिए 5 लाख रुपए देगी, लेकिन स्टार्टअप को लेकर सीएम सहायता योजना के तहत एक परिवार एक आजीविका जैसी कई योजनाएं हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। पीएम मोदी ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना हम जारी रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में हिंसा, आतंकवाद और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता साझा की और इसराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। अमृतसर में कांग्रेस के बड़े नेता जगविंदर पाल सिंह जग्गा मंजीठिया आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। साल 2022 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर अमृतसर की मंजीठा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। वह अमृतसर में आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। वनडे वर्ल्ड कप में गुरुवार को भारत और बांग्लादेश के बीच पुणे में मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले के दौरान भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए हैं। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।